Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tehreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids English Grade 1 के Chapter Number 10 जिसका Topic है Sea Animals को Study करेंगे. Dear teachers and students, आज की हमारी poem है वो है Sea Animals, यानी के आबी जानवर, समुंदर में रहने वाले जानवर. जानवर तो आपने बहुत तरह के सुने होंगे, जैसे कि पालतू जानवर हैं, हमारे पास जंगली जानवर हैं और पानी में रहने वाले जानवर हैं. इस पोम में हम एक मज़ेदार स्टोरी पढ़ेंगे सी एनिमल्स के ऊपर, जिसमें हम शार्क्स, फिश, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. टेक आउट पेज नंबर 76 ऑफ योर बुक. व्हाट डू यू सी इन द सी? एनिमल्स मूविंग फ्री. एनिमल्स मूविंग फ्री. स्नेल्स एंड व्हेल्स यूजिंग देयर टेल्स. Seals and eels looking for meals. Catfish, flatfish chasing fatfish. What do you see in the sea? Animals moving free. जी हाँ, अब इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. What do you see in the sea? Animals moving free. Animals moving free. आप समुंदर में क्या देखते हैं? जानवर आजाद घूमते हुए. जानवर आजाद घूमते हुए. Snails and whales using their tails. घोंगे और वेल अपनी दुमों का इस्तेमाल करते हुए. सील्स एंड ईल्स लुकिंग फॉर मील्स. सील और ईल खाने की तलाश में. कैटफिश, फ्लैटफिश चेजिंग फैटफिश. कैटफिश, फैटफिश मोटी मछली का पीछा करते हुए. व्हाट डू यू सी इन द सी? एनिमल्स मूविंग फ्री. आप समुंदर में क्या देखते हैं? जानवर आज़ाद घूमते हुए. और इस पोम के राइटर हैं हमारे पास मेश गोल्डिश. अब इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स को पढ़ते हैं. पहला वर्ड है हमारे पास मूविंग, यानी के हरकत में, और इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में इन मोशन. सेकंड वर्ड है हमारे पास मील एंड द मीनिंग इज फूड. द थर्ड वर्ड इज चेज, टू फॉलो. फोर्थ वर्ड इज लुकिंग फॉर एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एक्ट ऑफ सर्चिंग. फिफ्थ वर्ड है हमारे पास टेल, अ पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी. कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.